बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली अक्सर अपनी हरकतों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में अरमान को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। अरमान के पिता राजकुमार कोहली के ड्राइवर सोनू ने अरमान के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। दरअसल अरमान कभी तनिषा मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर उनके एग्रेसिव बिहेवियर के चलते दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन लगता है कि अरमान अभी तक तनिषा से नाराज हैं। स्पॉटबॉय से बातचीत में सोनू ने अरमान की घटिया हरकतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा वे गुस्से में आज भी रानी मुखर्जी के घर के बाहर बाथरूम कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी उन्हें रानी की कजिन तनिषा पर गुस्सा आता है वो ऐसा करते हैं। तनिषा और अरमान का 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। सोनू ने कहा ब्रेकअप से पहले तनिषा अरमान को थप्पड़ मारकर चली गई थी, इसलिए वे बदला लेने के लिए अब भी ऐसी घटिया हरकत करते हैं। आपको बता दें बिग बॉस 7 में तनिषा और अरमान कोहली एक दूसरे के करीब आए थे। 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के वक्त एक्ट्रेस के द्वारा किए गए ट्वीट से साफ होता है कि अरमान के उनकी इज्जत ना करने की वजह से वे अलग हुई थी। तनिषा के साथ भी अरमान के मारपीट करने की खबरें थी। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ही नहीं, अरमान अपने घर में काम करने वालों को भी मारते पीटते थे, जिसकी वजह से कईयों ने एक्टर के घर पर नौकरी छोड़ी। उन्होंने अपने कुक और 2 ड्राइवर्स के साथ मारपीट की, जिसके बाद तीनों ने जॉब छोड़ दी। तीनों में से कुक रंजीत 16 सालों से और ड्राइवर सोनू 15 सालों से उनके घर पर काम कर रहे थे। स्पॉट बॉय से बातचीत में तीनों ने अरमान के हिंसक होने की बात कबूली है।